रात का मार्केट दिखाऊंगा आज अजमेर मंडी का। हेलो गाइस, वेलकम टू किचन गोट वर्ल्ड। मैं इमरान अजमेर बकरा मंडी से आज तीसरे दिन की तीसरी वीडियो लेके हाजिर हूँ। जो भी हमारे चैनल पे नया, लाइक करा, सब्सक्राइब करा, शेयर करा। मांडुल ये देखिए, यहाँ पर ऐसे बना रखे उन्होंने, तंबू डाल डाल के बकरे खड़े कर रखे। चीज निकल के आई अंदर से। वालेकुम सलाम, बार भाग गए आ गए। अरे मुंबई में तो बारिश करा रहे हो तुम यार, देवनार भरी पड़ी है, पानी भर गया उसमें। ये देखिए बकरे बाहर भागते हुए, इसका धनी कोई है नहीं, जो चाहो लेके जा सकते हो। ये देखिए ये बकरे अंदर से निकल निकल के भाग रहे बाहर। ओ तेरे बकरे भाग गए बाहर। अरे तो आपत कराए यार गरीबों की। ये देखिए इसमें गुजरी है, अच्छी नस्ल के बकरे है, इसके अंदर काफी भारी बकरे है। रेट पूछेंगे इसकी, क्या क्या मांग रहा है। अरे क्या मांग रहा है इसके का? अरे तो बता दे यार। बकरा अच्छा भारी है, 75 किलो के आसपास जिंदा। बहुत बकरा खड़ा है अभी तो, जिसमें कल मंडी है अजमेर की, मंगलवार की मंडी थी, काफी माल आया था कल। 35,000 मांग रहा है इसके। और इसके आया लेके क्या दो दांत पे के वो दो दांत पे कहीं मांगे 20,000। कल अजमेर मंडी, मंगलवार की मंडी, क्या चल रहा है बताओ सर। अभी तो मामला देखो सही ठीका ठीक है फिलहाल तो अल्हम्दुलिल्लाह, बट जैसे हम देखे जाए एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम से, इस बार मंडी थोड़ी डाउन है, काफ़ी डाउन है। तो मुंबई के अंदर भी बारिश आ रही तो कोई फ़र्क पड़ेगा मुंबई से? सर बारिश आने से तो फ़र्क तो मेरे हिसाब से पड़ना चाहिए, और सर नहीं भी पड़ना चाहिए। अभी देवनार में तो 1,25,000 बकरा आ चुका है। देवनार में 1,25,000 है सर, 1,25,000 कम से कम। अभी मुंबई की आबादी का अगर आप देखा जाए तो कम से कम सर 15-16 लाख तो मुंबई की आबादी है सर, मुस्लिम आबादी सर। अच्छा, सो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से वहाँ पर 2.5 लाख भी बकरा कम पड़ता है सर मुंबई में। तो अजमेर मंडी का कल मेन मंडी है, तो भाव गिर सकता है सर? मेरे हिसाब से भाव तेज होगा सर कल। हाँ जी सर, चलो देखेंगे। देखो ये अपने रमीश भाई है, ये मुंबई से यहाँ अपने पीथावला में रहता, जो भी बकरे लेना चाहता है इनसे वो इनको कांटेक्ट कर सकता है। नंबर बता देंगे, नंबर बता दो 9370375778। और मैं बकरा केजी से नहीं देता हूँ, मैं नक्शे देता हूँ। ठीक है, अभी जिस भाई का अपने इंटरव्यू दिलाया था वो भाई के बकरे है सारे। अभी जो झूठे झूठे 250 रुपये किलो के हिसाब से चला रहे हैं वो देख सकते, ये भी बता देंगे अभी अपन क्या है क्या नहीं। जो भी चल रहा है अपना 250 रुपये के हिसाब से बता रहे जो जी। दूसरे यूट्यूब चैनल पे उस पर क्या कहना चाहोगे सर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो 250 रुपये में सर आज तो आम भी नहीं मिल रहे सर। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात है सर, एंड बकरे की बात कहे तो मेरे हिसाब से ये जितने भी लोग आज कर रहे हैं, जैसे कि जो लोग पैसे देकर ये काम करवा रहे हैं लोगों से, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भाई अपनी तो दुकानें काफ़ी दिन तो चलने नहीं वाली है, पहली बात तो। सेकंड थिंग तो ये है कि जो 250 रुपये का रेट आज मार्केट में दे रहे हैं लोगों को, एंड काफ़ी सारा फ्रॉड उनके साथ में हो रहा है। हाँ वो काफ़ी फ्रॉड हो रहा है, जैसे कि टोकन ले लेते फिर माल पहुँचाते नहीं है। एंड सेकंड थिंग ये है कि इससे पार्टियाँ बहुत सारी टूट रही है। रीज़न क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे ऑलमोस्ट अभी आप देखा जाए राजस्थान के अंदर, हमारे गांव से भी बोलो या हर गांव से बोलो, 8 से 10 गाड़ियां हमेशा लोड होती थी। आज ऐसा मसला हो रहा है सर, ये इनके चक्करों में आज 2-3-1 गाड़ियां ही लोड हो रही है सर। अच्छा। ये बस गांव के अंदर आज जो मंदी का दौर है ये बस इन फार्मरों की वजह से ही दिख रहा है सर। नहीं उसके अंदर जैसे बोलते ना यार 250 रुपये किलो। हाँ जी हाँ जी, दुकानों पे तो 640 रुपये कट्टू मिल रहा है। कट्टू मिल रहा है सर, तो अभी तो 250 रुपये इनको दिमाग लगाना चाहिए ना, 250-500 रुपये किलो गोश्त के हिसाब से कुर्बानी का कैसे मिलेगा। हाँ ये बात बोली। और प्लस कैसा है सर, टोकन ले लेते हैं बंदों से, उसके बाद में बोलते हैं कि हमारे कांटे पे वजन करवाना है, ये करवाना है, फलाना करवाना है,
और उसके बाद में उनसे टोकन ले लेते हैं, बाद में फिर पुलिसों के चक्कर सर अभी फिर कस्टमर को काटना पड़ते हैं और बाद में कुछ कार्रवाई तो बनती नहीं है सही तरीके से और ये बंदे छूट जाते हैं सर। हाँ ये काफ़ी मेरे सामने, मेरे पास भी कुछ क्लाइंट्स के आए थे मुंबई के थे वो, उनके किसी के 95,000 रुपये ले लिए, किसी के 1,00,000 रुपये ले लिए पर उनका माल नहीं पहुँचा। यस सर, यस सर, फोटो भी डाली उनकी, आधार कार्ड भी डाले, पर वो क्या करेंगे, बाहर का इंसान कोई कुछ कर भी नहीं सकता यहाँ पर आके लोकल एरिया में। चलो ठीक है, आपके बकरे दिखाते, देखो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, इनके भाई के बकरे हैं और करा।